morning to everyone. Welcome back with a new topic, that is calculation of goodwill with super profit method. Super profit method में हम valuation करते हैं. सबसे पहले कि आपको find out super profit. Super profit is equal to average profit minus normal profit. Average profit calculation हम previous videos में समझ चुके हैं, जान चुके हैं. अब हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100. यहाँ से हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन देख लेते हैं. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज गिवन, दैट इज 1 लाख रुपीज. रेट ऑफ रिटर्न 15% है हमारा. नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इज गिवन है 30,000, 36,000 एंड 42,000. सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट. इसका फॉर्मूला हमें पता है. एवरेज प्रॉफिट मीन्स टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो टोटल 30 + 36 = 42 डिवाइड करेंगे 3 से एंड एवरेज प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 36,000. अब आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए एज पर द फॉर्मूला. तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख × 15/100. एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 15,000. उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट 36, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 15,000, सुपर प्रॉफिट इज 21,000. और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 21,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है 2. हमारी जो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी दैट इज गोइंग टू बी 42,000. थैंक यू.